दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूं जिसके थ्रू आपके सारे पैसे निकाल लिए जाएंगे फ्रॉडस्टर के थ्रू यानी हैकर्स के थ्रू। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। फिलहाल कुछ ऐप्स ऐसे मार्केट में चल रहे हैं जो इंस्टॉल करेंगे तो आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से। चलिए जानते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भेजी टेक्निकल। मैं आज बात कर रहा हूँ एक ऐसे ऐप के बारे में जो इंस्टॉल आपसे करवाया जाएगा ज़बरदस्ती या फिर आपको बहकावे में लाके और आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे। तो ये कैसे होता है, आइए इस वीडियो में समझते हैं और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए इसको लेके। इस ऐप का नाम है एनी डेस्क। बनाया तो अच्छी चीज़ के लिए है लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरबीआई की गाइडलाइंस आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, जिन्होंने कहा है कि ऑनलाइन फ्रॉडस्टर बढ़ सकते हैं, इस ऐप की मदद से लोग कर भी रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे ये बताया जाएगा। सबसे पहला स्टेप होगा, आपको एक फ़ोन आएगा कहीं से, हल्ला वो इसका ही रहेगा, फ्रॉडस्टर का ही रहेगा, हैकर्स का रहेगा। वो आपको कहेंगे कि आपके बैंक से कहा जा रहा है, आपके बैंक से हम बात कर रहे हैं ताकि आपका जो अटेंशन है उन तक लिया जाए, और बताएंगे आपके थोड़ी इन्फॉर्मेशन के बारे में। फिर वो आपको बातों में उलझाएंगे और आपको एक जो है इंस्टॉल करने के लिए कहेंगे, कहेंगे कि आप जो है एनी डेस्क करके एक एप्लीकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एनी डेस्क, उसको इंस्टॉल करिए, इस तरह से बताया जाएगा आपको। आपको उनकी कॉल में सच्चाई लगे इसलिए वो आपके मोबाइल नंबर, बैंक के डिटेल्स या उससे रिलेटेड कुछ जानकारी भी आपको फ़ोन पर दें। हो सकता है वो आपसे ये भी कहे कि ये ऐप इंस्टॉल करिए और कुछ उसमें करना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो बैंक अकाउंट है या फिर एटीएम कार्ड है, आधार लिंक करना है, इसी तरह कुछ भी कह के आपको कन्विंस करेंगे वो ऐप इंस्टॉल करने के लिए। यदि आप उनके बहकावे में आके एनी ऐप जो ये एनी डेस्क ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो आपसे परमिशन के बारे में पूछे, जैसे कि आपको लोकेशन परमिशन, ये परमिशन, वो परमिशन जैसी आती है वो सारी परमिशन पूछेगा। तो कोई भी ऐप इंस्टॉल करने के पहले परमिशन के बारे में ध्यान से पढ़िएगा। जैसे आप ऐप इंस्टॉल करने के बाद परमिशन दे देते हैं सारी परमिशन, तो आपके जानकारी के अलावा भी यानी कि दूसरे लोग आपके डिस्क को या आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह का ख़तरनाक ऐप है। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो ऐप इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको कोड पूछा जाएगा, यानी कि 9 डिजिट का कोड, क्योंकि वो दूसरे डिवाइस में डाला जाता है वो कोड, ताकि आपके दोनों डिवाइसेस लिंक हो सके और वो वहाँ से बैठे बैठे आपके फ़ोन को कंट्रोल कर सके। जैसे आप वो 9 डिजिट या 11 डिजिट का जो भी कोड जनरेट होता है वो आप अपने जो फ़ोन पे बता देंगे उस बंदे को, दूसरे बंदे को, तो वहाँ से एक परमिशन आएगी कि इस बंदे को एक्सेस किया जाए, और आपने जैसे ही एक्सेस कर दिया तो वो आपका पूरा मोबाइल या कंप्यूटर उसका हो गया, वो कहीं से बैठे बैठे आपके मोबाइल कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए देखिए एक अलर्ट आया, डू नॉट डाउनलोड मोबाइल ऐप एनी डेस्क एंड सिमिलर ऐप ऑल्सो, डू नॉट शेयर ऐप कोड, फ्रॉडस्टर में मिस यूज इट एंड टेक एक्सेस फ्रॉम योर फोन एंड कमिट क्राइम। तो इस तरह से निर्देश भी आ रहे हैं, जैसे आप उस बंदे को कोड दे देंगे, आप उसके लिए परमिशन अलाउ कर देंगे, बस आप सारी चीज़ें भूल जाइए, वो आपकी जो है मोबाइल को यूज़ कर लेगा पूरी तरह दूसरी जगह पे बैठे बैठे, और आपके सारे पैसे या कुछ भी कर सकता है आपके मोबाइल के थ्रू, आपके फ़ोटोज़ है, आपकी प्राइवेसी पूरी छीन लेगा, बैंकिंग कुछ भी कर सकता है, आपका मोबाइल पूरी तरह उससे कंट्रोल में हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया जो ऐप है इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करने के लिए बनाया गया, ताकि आपके डिवाइस को आप कहीं और बैठ के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉडस्टर इसका इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए ये एनी डेस्क का एप्लीकेशन ये एंड्रॉयड मोबाइल पे इस तरह दिखेगा, मैं आपको दिखा दूँ अब ये दूसरे पर कैसे दिखेगा। ये एंड्रॉयड हो गया है, अब iOS जिसके पास फ़ोन है उनके पास इस तरह से एनी डेस्क ऐप दिखेगा। ये रिमोट डेस्क का कोड मांगता है कनेक्ट करने के लिए, नॉर्मली एक कनेक्शन ऐप ही है जिससे पहले भी हुआ करते थे, विंडोज़ पे डालना है तो विंडोज़ पे कुछ इस तरह से दिखेगा, ये सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर, तो ज़रा ध्यान से इसको जो भी है देखिएगा। तो ये तो एक ऐसा ऐप है, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल में है, जो कि मतलब तो इस ऐप का मेन मोटो होता है कि आपके फ़ोन या आपके डिवाइसेस कहीं और बैठे बैठे एक्सेस करना, तो किसको एक्सेस देना है किसको नहीं देना वो आपकी प्राइवेसी के ऊपर है, लेकिन अनजाने व्यक्ति को बिल्कुल ना दे, जिसे आप जानते पहचानते हैं उन्हीं को दे, और उसको परमिशन देनी नहीं देनी आपके ऊपर पूरी तरह आधारित है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम यही आपको अवेयर करना चाहते हैं कि कोई भी अनचाहे फ़ोन पर आने के बाद उसको इंस्टॉल ना करिए ऐप को, उसको कोड मत दीजिए, UPI मत दीजिए, आपका ID मत दीजिए, आपके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसको कुछ भी मत दीजिए, और आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा है सही है, अपीलिंग है वो, तो आप बोलिए प्लीज़ मैं आपके बैंक में आके मिलता हूँ, आप कहाँ हैं, आप वहाँ जाके उससे काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको मैं सचेत कर दूँ, आपको फ्यूचर में होने वाले फ्रॉडस्टर से बचा सकूँ। भेजी टेक्निकल देखने, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।